दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दीप टेक्निकल नॉलेज में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास वन प्लस का 11R है या फिर 11 है तो दोस्तों कैसे आप अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन साउंड को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैसेज पे ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऊपर राइट साइड पे आपकी प्रोफाइल आ जाएगी, अपनी प्रोफाइल पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको मैसेज सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप नीचे की तरफ यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे इनकमिंग मैसेज का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप यहां पे क्लिक कर देते हैं, आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहां पे रिंगटोन का ऑप्शन मिलेगा। अभी ये डिफ़ॉल्ट पे है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। तो आप चाहे तो अपने डिवाइस में अगर आपने कोई साउंड डाउनलोड कर रखा है वो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में जो ऑटोमेटिक साउंड आते हैं प्री इंस्टॉल्ड तो वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी साउंड यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। चूज़ करने के बाद इसे ओके कर देंगे और वापस से बैक आ जाएंगे, आपका जो साउंड है वो यहाँ पे लग जाएगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।